गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एचएचएफ। चलो दोस्तों, आज एक फिर से नया वीडियो बनाते हैं। नया वीडियो ऐसा है, वहां पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे को, सर ये रूब्रिक कैसा, वो रूब्रिक कैसा, ऐसा रूब्रिक वैसा रूब्रिक। तो हमने आज रूब्रिक्स के बहुत सारे शेड्स, अलग अलग रूब्रिक्स, अलग अलग वर्जन्स और किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन रहने वाला, आज ये वीडियो बनाना है। तो आज का फर्स्ट रूब्रिक है सेंसोरियस। व्हाट इज सेंसोरियस ना? सेंसोरियस मतलब ऐसा बंदा जो कि हमेशा फॉल्ट फाइंड करते रहेगा, सिस्टमेटिकली फॉल्ट फाइंड करेगा और दूसरों को बताएगा भी कि भाई इसमें ये गलती है, भाई उसमें वो गलती है, ये सारी गलतियां निकालने वाला बंदा। अब ये गंदा, मतलब हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं कि जो लोग दोष निकालने वाले बंदे रहते हैं ना, वो सेंसोरियस है। मराठी में बोलते हैं कि कड़क टीका करणारा माणूस, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करेगा। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, घर में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं मोस्टली, वो घर पे सब्जी बनी, कुछ बनी, अरे यार इसमें नमक थोड़ा सा और ज्यादा रहता था ना तो मजा आता था, इतना नमक क्यों कम डाला, थोड़ा नमक ज्यादा डालना चाहिए था। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, आके बैठ जाते हैं मस्त भी कि डॉक्टर साहब आपने वो जो रैक बनाई है ना, वो रैक आपके सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी अगर इधर साइड रखते थे ना तो ज्यादा अच्छा रहता था। हर वक्त कुछ ना कुछ वो लोग फॉल्ट फाइंड करने की उनकी, मतलब वो इनेट कैरेक्टर है, इट्स अ डिस्पोजिशन की हर जगह पे अपनी छाप छोड़ने के लिए वो कुछ ना कुछ गलतियां बराबर निकालेंगे जब भी। पर देखो, कुछ कुछ सेंसोरियस पर्सन कैसे रहते हैं, हमेशा, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा वो हार्श रहेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हार्श। तुमको बहुत दर्द होगा कि अरे यार ये क्या चीज है। ये सेंसोरियस पर्सन के आजू बाजू वाले जो लोग रहते हैं ना, दे ऑलवेज अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल। अपने को भी कोई पसंद नहीं करेगा ना कि यार हर वक्त आके हमारे कुछ ना कुछ खोट निकालता है। तो ये हो गया सेंसोरियस। तो दोस्तों होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सेंसोरियस। बस ऐसे ही कुछ डे टू डे लाइफ में आने वाले रूब्रिक्स सामने में भी है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर पक्का कीजिए। थैंक यू। सो आज का जो मेरा रूब्रिक है वो मैं चार पंक्तियों से आपको समझाना चाहता हूँ। सो मेरी चार पंक्तियां है कि हूँ राम सा तेज में, लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना, सबसे जो मैं महान हूँ, हूँ ब्रह्मांड का सार में, नील प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो रूब्रिक लेने वाला हूँ वो है इगोटिज्म। सो इगोटिज्म क्या है, मतलब अहंकार, हिंदी में उसको अहंकार बोलते हैं। सो इगोटिज्म में क्या होता है, ये जो रूब्रिक है ये मोस्टली कैसा है, ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है, ठीक है। अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं टोन से, स्पीच से, ठीक है, या फिर उनके एक्शन से अपन इसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो अपने ओल्ड बॉलीवुड डायलॉग्स जो होते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ठीक है, ये भी क्या है, ये इगोटिज्म है, ठीक है। मैं तो अभी भी भगवान से भी आज तक कुछ नहीं मांगा, ये क्या है, ये भी इगोटिज्म ही। और अपने को सबको तो पता ही है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो भी क्या है, वो भी एक इगोटिज्म ही है, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट्स जो है वो अपने क्लिनिक्स में कैसे दिखेंगे, तो क्लिनिक्स में ये पेशेंट्स मोस्टली ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो। जैसे कि मेरी एक पेशेंट है, तो वो जब तक उनको बुलाया नहीं जाता तब तक वो आते नहीं है चेंबर के अंदर, ठीक है, वो बाहर ही बैठे रहेंगे, अकेले ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक उनको बुलाते नहीं है तब तक वो अंदर आएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन से इगोटिज्म पकड़ सकते हैं, ठीक है। और एक जो मेरी केस थी उसमें क्या हुआ था कि उनको वो बोल रहे थे कि मुझे किसी से मदद मांगना पसंद नहीं है। तो मैंने उनको पूछा था कि क्यों नहीं पसंद आपको, तो बोले मदद मांगने के बाद वो जो उनकी नजर होती है ना, बोले वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बोले, ठीक है। तो इसीलिए उससे अच्छा ना, बोले मैं किसी से मदद मांगू ही ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये इगोटिज्म ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे आपको अपने क्लिनिक्स में। सो लेकिन इगोटिज्म अपन कैसे पकड़ेंगे, पैथोलॉजिकल इगोटिज्म, मतलब अगर बार बार वही चीज आ रही है आपके सामने में तो आप इगोटिज्म बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो, ठीक है। और इसके ये है मेरा जो ये रूब्रिक है, इसके बाद में भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे रूब्रिक्स आने वाले हैं। सो आप ये वीडियो जो है वो कंप्लीट पूरा देखिए, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
तो आज हम नेक्स्ट रूब्रिक सीखने जा रहे हैं हॉटी, जो कि प्रीवियस रूब्रिक जो इगोडिज्म है उसी का एक हायर वर्जन है। तो इगोडिज्म में क्या होता है कि दे थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, ठीक है। तो अब इसी इगोडिज्म में अगर हम एरोगेंस जोड़ दे तो वो बन जाएगा हॉटी। तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, हॉटी। हॉटी में क्या रहता है कि एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहती है विथ एरोगेंस रहता है उसमें, ठीक है। सिक्योरिटी की तो फीलिंग रहती है लेकिन उसमें एक एरोगेंस रहता है, एक अहंकार भाव रहता है, ठीक है। दे वॉन्ट टू शो देयर सिक्योरिटी एंड देयर इम्पोर्टेंस विथ एरोगेंस। तो अगर आप एक हॉटी पर्सन की फीलिंग लोगे ना तो क्या फील करता है वो, क्या फीलिंग रहती है उसकी कि आई एम एडुकेट, आई एम कंप्लीट, आई एम इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी में क्या रहता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी इज माई लाइफ, ठीक है, इट इज माई नीड, इट इज माई आइडेंटिटी। अगर ये छूट गया तो कोई सेंस नहीं है। तो हॉटी में उनको दिखाना रहता है अपनी सिक्योरिटी, उनको दिखा विथ एरोगेंस, ठीक है, अपना इम्पोर्टेंस दिखाना रहता है विथ एरोगेंस। ये हो गया हॉटी। तब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे एक बंदा है जो पेशेंट जो है तो वो आया, उसने क्या बोला कि सर क्या रहता है कि मेरा जो भाई है बड़ा भाई, वो पापा ने उसको दुकान दे दी चलाने के लिए, लेकिन सर वो कुछ चला नहीं पाया। तो फिर उसके बाद मैंने टेक ओवर किया। अब सर मैंने जब टेक ओवर किया तो दुकान एकदम बैठी हुई थी, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया सर, मैंने दुकान के लिए फिर पैम्पलेट बांटे, लोगों को मैंने ऑफर दिए, तब जाके आज दुकान सर उतना ऊंचाई पहुंची है। और सर उसके बाद फिर मैंने बाजू वाली दुकान ले ली। तो सर मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया और कोई कर सकता था सर, इतनी बड़ी दुकान को तो मैंने ही खड़ा किया सर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अपनी सिक्योरिटी दिखा रहा है कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। साथ में क्या बता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे ऐसे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं, अपना इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, थोड़ा सा उसमें अहंकार भाव रहता है, ठीक है। और अगर आप हॉटी पर्सन का थोड़ा सा अगर जेस्चर्स लोगे जो आपके सामने आएगा तो कैसे बैठेगा, वो ऐसे हाथ ऐसे बांध के रहेंगे, तो उसी गर्दन ऊपर रहेगी, कभी कभार वो ऐसे पीछे होके बैठेंगे या फिर एक पैर के ऊपर एक पैर डाल के बैठेंगे। तो ये उनका थोड़ा सा जेस्चर होता है। तो आपको उनके टोन में, उनके जेस्चर में थोड़ा सा वो अहंकार भाव दिखेगा, वो एरोगेंस दिखेगा। लेकिन ये कभी ना हॉटी में एक चीज़ है कि वो कभी ना मिसबिहेव नहीं करते दूसरों से, ठीक है। उनका अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी सिक्योरिटी ये दिखाते, लेकिन वो दूसरे से मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज हमने सीखा हॉटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज बने रहिए। थैंक यू। Before understanding next rubrics, let's understand some patient's versions. A male patient around 30 age, he came into my clinic and sat on sofa and said like, doctor, वो मुझे ना पेट खराब हुआ है मेरा, वो पेट साफ करने वाली दवा है ना आपके पास, वो मुझे देना। I was like, वो okay. One more patient like this. आपल्या घरात ना रुबाब आहे आपला, मला विचारल्याशिवाय घरात स्वयंपाक पण नाही होत डॉक्टर, आपण कसं ना सर्वांना बरोबर आपल्या हातात ठेवलेलं आहे, सर्वांना कंट्रोलमध्ये ठेवलेलं आहे आपण। वन मोर वर्जन, वैष्णवी तेरे को खांसी है ना, बता ना, वो डॉक्टर आया है ना, बता डॉक्टर को, बता तेरे को खांसी है और क्या क्या है, और क्या क्या तकलीफ है, बता उनको, बता तू बता ना। सो वॉट इज दिस, this is dictatorial, means hukumshahi. If you understand the word meaning of dictatorial, a person who rules with total authority and often in cruel or brutal way, imposing one will or opinion on others. In all three versions, ek unka bolne ka way, उसमें एक अथॉरिटी थी, एक कंट्रोल था हर किसी के ऊपर कि मैं जो बोलता हूं ना वही लोग करते हैं। फर्स्ट वर्जन में भी पेशेंट आया मेरे पास एंड मुझे जिस वजह से वो बोला कि मेरा पेट खराब है, मुझे ना वो पेट ठीक करने वाली दवा दो। ही ट्राई टू कंट्रोल मी, ही ट्राई टू गिव मी अ कमांड। सो इन दिस रूब्रिक चार चीजें जो है, चार फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट द अथॉरिटिव बिहेवियर, सेकंड दिस पीपल वांट टू कंट्रोल एवरीवन एंड एवरी सिचुएशन, थर्ड इनका टोन, इनका टोन को अच्छे से समझो, इनका टोन जो होता है वो एक
कमांड देने वाला टोन होता है, बट निगेटिव वे के साथ। इनसे जो आईपीआर जो होता है इनका, इनके ये डिक्टेटोरियल वे की वजह से इनका आईपीआर चिढ़ता है, इरिटेट होता है। इवन लास्ट थर्ड जो से था उसमें केयर थी, बट केयर शो करने का वे भी, यार तू बता इनको तुझे तकलीफ हो रही है, बता। कमांड कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि उसको कंट्रोल करके उस पे दबाव डाले जा रहा है। सो ये जो चार चीज़ें होती है ये डिक्टेटोरियल रूब्रिक के अंदर या ये पेशेंट के अंदर मिलती हैं। और भी दो तीन फीचर्स हैं इनमें कि ये किसी के व्यू पॉइंट को समझते नहीं है, एंड इन्हें अगर कोई भी फीडबैक दे तो इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। सो ये कुछ पॉइंट है जो डिक्टेटोरियल रूब्रिक के पर्सन को समझने के लिए अपन सोच सकते हैं। इस रूब्रिक में दो सब रूब्रिक है, फर्स्ट डिक्टेटोरियल पावर लव ऑफ टेरिटोरियल क्लेम सिंगल लाइकोपोडियम, एंड सेकंड डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। सो इस सेकंड रूब्रिक के ऊपर एक हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है क्यूप्रम मेटालिकम का, सो आई विल सजेस्ट कि वो वीडियो आप लोग भी देखें, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ew, भी क्या पहना है तुमने, कितना मिसमैच है सब, और क्या डेटेड ओल्ड फैशन तूने वॉच पहन रखी है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है यार। तू थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से चल लिया कर यार, मतलब सीरियसली। सो गाइस, ये क्या था, ये कंटेंट चेस था। तो आज हम पढ़ते हैं कंटेंट चेस, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं कंटेंट चेस क्या होता है। तो कंटेंट चेस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिविजुअल सोशल ग्रुप एंड इवेंचुअली आइडियलाइज विच इन्वॉल्व डिस्गस्ट एंड एंगर व्हाइल जनरली ट्रिगरिंग मालअडैप्टिव बिहेवियर। तो इट इज बेसिकली अ निगेटिव इमोशन जहाँ पे अपोजिट पर्सन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस फील करता है। ऐसा इन जनरल हर जगह होता है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को नीचा दिखाता ही है। उसका हिंदी मीनिंग हम कहते हैं तिरस्कार करना, और मराठी मीनिंग होता है निंदनीय। तो कंटेंशियस में उसका सिनोनिम है डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग और कॉन्डेंसेंडिंग, और उसका एंटोनिम्स होते हैं शाय, हम्बल, पोलाइट तरीके से। तो कंटेंशियस हम देखेंगे तो जब कोई इंसान किसी को कंटेंट करता है तो उन्हें सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट होता है उस चीज़ को लेके कि मतलब वो खुद को समझता है कि यार मैं क्या हूँ और ये क्यों ऐसा बोल रहा है। और सामने वाला इंसान जो कंटेंट कर रहा होता है वो इस कदर बोलता है जैसे उसका कोई वैल्यू ही नहीं। तो अगर हम देखें एक पेशेंट और डॉक्टर का वर्जन अगर हम देखें तो जनरली पेशेंट जो होते हैं जो कंटेंप्चुअस में हम जिसको ले सकते हैं तो वो क्लिनिक में आते हैं एंड उनका ऐसा होता है कि अरे डॉक्टर साहब आपकी ओपीडी तो काफ़ी खाली दिख रही है, चलता नहीं है क्या आपका क्लिनिक, दिखते तो नहीं है आजकल कोई, तो बस ऐसी है एक दो पेशेंट में आपका हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, पेशेंट डॉक्टर को नीचा दिखा रहा है, उसे बता रहा है उसकी वर्थ, उसको गिदा रहा है कि देखो आपका इतना अच्छा क्लिनिक है सब है, बट स्टिल आपके पे इतनी पेशेंट है, यही होता है। सो ये होता है कंटेंशियस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, द रूब्रिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बेसिकली अ डिस्पोजिशन, अ बिहेवियरल पैटर्न एंड अ कैरेक्टरिस्टिक। इट इज यूजली सीन इन स्मॉल किड्स एंड चिल्ड्रन। अब अगर बच्चों की बात हो रही है तो हम उसे उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है, बच्चे आइसक्रीम खाने की बहुत जिद करते हैं। मम्मी बोलती है अरे सुबह से बहुत खा लिया, ज्यादा खाओगे तो फीवर आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चे नहीं मानते, वो अपने ही मन की करते हैं, चाहिए मतलब चाहिए। तो वॉट इज दिस, दिस इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट इज रिफ्यूजिंग टू चेंज देयर ओपिनियन व्यूज एंड आइडियाज व्हेन अदर पीपल ट्राई टू कन्विंस देम। मतलब जब लोग उन्हें समझाते कि अरे ये मत करो,
ये सही नहीं है, लेकिन वो उसे सुनते ही नहीं है, वो अपने ही मन की करते हैं। दे नो दैट दिस वुड लीड देम टू ट्रबल और विल कॉज देम एनी हार्म, लेकिन वो नहीं सुनते, वो अपने ही मन की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। हिंदी में हम हिंदी में देखें तो हम ऐसे लोगों को ढीठ बोलते हैं, जिद्दी लोग बोलते हैं। इसका हम सिनोनिम देखें तो हम इसे स्टबर्न बोलते हैं, एंड एंटोनिम दीज पीपल आर वेरी ओबीडियंट काइंड ऑफ पीपल। ऑब्स्टिनेट पीपल आर वेरी रेजिस्टिव, दे आर बेसिकली एमलेस। दिस पीपल स्टिक टू देयर ओपिनियन एंड आइडियाज टू द बिटर एंड, ये लास्ट तक अपने ओपिनियन अपने आइडियाज को स्टिक रहते हैं, ये एक इंच भी अपने ओपिनियन अपने डिसीजन से हलते नहीं है, चाहे आप इसे इन्हें कितनी भी कन्विंस करने की कोशिश कर ले। अब हम इसे अगर हमें क्लिनिक के एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे बैठ जाओ, टेबल के पास मत जाओ, लग जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, वो अपने ही मन की करते, लगता है गिरते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते, अपने ही मन की करते, पेरेंट्स की नहीं सुनते। तो दिस इज ऑब्स्टिनेट जो हम बच्चों में देखते हैं। अब बड़ों में हम जब देखते हैं, हमारे पास जब एडल्ट पेशेंट आता है, हम काफी बार एडवाइस करते हैं कि अभी मेडिसिन चालू है, आप कॉफी का इंटेक मत करिए, लेकिन फिर भी पेशेंट कॉफी का इंटेक करता है। जब पेशेंट हमारे पास फॉलो अप के लिए आता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे पेशेंट ने रेगुलर कॉफी का इंटेक किया। तो दिस इज ऑब्स्टिनेट। एंड बिफोर समिंग अप आई वुड लाइक टू कोट अ फ्यू लाइन्स। हिंदी सर ने बहुत अच्छा सेंटेंस दिए है। पर्टिनासिटी ऑफन कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग विल एंड ऑब्स्टिनेसी फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग वोंट। सो बिफोर एंडिंग अप देर इज अ स्पेशल नोट, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू। रूब्रिक के जर्नी में एक छोटे से स्टेशन पे हम आके रुक जाते हैं, उसका नाम है पर्टिनासिटी। पर्टिनासिटी का ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द वर्ड टेनेशियस। टेनेशियस हम अलग अलग मटेरियल मेडिका में पढ़ते हैं, ये लाइक स्ट्रेंजी टेनेशियस डिस्चार्जेस, देयर इज स्टिकीनेस। तो स्टिकीनेस मतलब चिपक जाना, एक चीज को लेके इस तरीके से चिपक जाना कि हम उसे कितना भी तोड़ने की छोड़ने की कोशिश करें वो नहीं छूटेगा। इट कैन बी स्ट्रेच बट इट कैन नॉट ब्रेक। सो अगर हम इसे पर्सन में कैसे देखेंगे, व्हेन अ पर्सन टिनेशियसली अधेयर्स टू हिज पर्पस वी कॉल्ड इट एज पर्टिनेसिटी। पर्टिनेसिटी में एक पर्सन अपने पर्पस को लेके इस तरीके से चिपक जाता है कि हम उसे कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, कितना भी मतलब सारे साम दाम धंधा भेद सब आप इस्तेमाल कर लो, पर वो अपना पर्पस नहीं छोड़ेगा। इस बीच में उसका पूरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट ही खराब क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्टर्ब्ड आईपीआर। ये मोस्टली बच्चों में हम देखते हैं। तो एक क्लिनिक में एक बच्चा आया अपनी माँ के साथ, उसके मदर को हमने पूछा कि इसका बिहेवियर के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो उसने कहा कि ये कोई भी चीज़ अपने दिमाग में ला लेता है ना, तो फिर चाहे हम उसे कितना भी समझाने की कोशिश करें उससे वो अलग होना ही नहीं चाहता। तो एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया कि हम एक बार एक गांव गए थे, हर आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो वहाँ पे रात को 11:30 बजे इसने जिद कर ली कि मुझे शॉर्ट पैंट पहनना है। तो हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं समझा। समझाने की मतलब सेम साम दाम डंडे भेट, डांटा मारा फटकारा समझाया पर वो नहीं समझा। फाइनली रात को 11:30 बजे उसके फादर को एक दुकान खुलवा के उसके लिए शॉर्ट पैंट लाना ही पड़ा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक कि उसको टिनेशियस होल्ड है उसके पर्पस को लेके, दूसरा उसके साथ उसका आईपीआर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है उसकी, उसको कोई चिंता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जब एक पर्सन में हमें मिलेगी तो हम वहाँ पे पर्टिनेसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो जब एक पर्सन ना अपने दिमाग में एक पर्पस बना लेता है और उससे वो टूट ही नहीं सकता, तो उसके लिए ना एक परसिस्टेंसी हमें मिलेगी, क्योंकि वो परसिस्टेंसली उसको अचीव करने के लिए काम करता रहेगा। तो पर्टिनेसिटी में अगर हमें ध्यान में रखना है तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो टेनेसिटी फॉर इज पर्पस विथ परसिस्टेंसी विच कॉजेस डिस्टर्ब्ड आईपीआर। सो पर्टिनेसिटी आपको अपने क्लिनिक में बहुत बार मिलेगा, तो इसे समझे एंड डू यूज इट वाइजली। Thank you.
फ्रेंड्स, आर रूब्रिक फॉर टुडे इज परसिवरेंस। इसका वर्ड मीनिंग होता क्या है? दृढ़ता या लगन, लगन से कोई भी काम करना। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें, अ पर्सन कीप्स मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ फेलियर। सामने से कितना भी अपोजिशन, कोई भी डिस्करेजमेंट, सामने से कुछ भी आ जाए, बट वो बंदा हार नहीं मानता, वो लगा हुआ रहता है अनटिल अनलेस जो उसे चाहिए वो उसे मिल ना जाए। तो दिस इज व्हाट परसिवरेंस इज। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि आजकल बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, तो कोई 2 अटेम्प्ट लेता है, कोई 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मतलब, उस इंसान को पता होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इसलिए वो चीज़ के लिए लगे हुए हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, यहाँ पे वो कभी गिव अप नहीं करते। तो इस वर्जन में हमें देखने के लिए क्या क्या मिलता है? एक है डेडिकेशन, दूसरा है होपफुल, तीसरा है ऑप्टिमिज्म, एंड चौथा है कन्विंसिंग पावर कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ें आती है परसिवरेंस के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत सालों से चलते आ रही है। तो क्या परसिवरेंस सिर्फ क्रॉनिक हो सकता है? कांट इट बी अक्यूट वन? नहीं, परसिवरेंस अक्यूट भी हो सकता है। कैसे? अगर अ पर्सन इज डाउन विद अ मेजर इलनेस, कोई भी अक्यूट कंप्लेंट हो एंड सिवियर है, एंड सबको पता है कि यार सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल वो बंदा बोलता है कि यार नहीं, मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या फिर हरा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी हम परसिवरेंस ले सकते हैं। बट कोई भी रूब्रिक उठाने के लिए हमें वाई ऑफ द स्टोरी पता होना चाहिए, बैकग्राउंड उस इंसान का बैकग्राउंड फीलिंग पता होना चाहिए कि यार बंदे के मन में चल क्या रहा है। तो अगर हम इसी के लिए एक एग्जाम्पल देखें कि हमारे क्लिनिक में बहुत कॉमनली एक एग्जाम्पल मिलता है कि पेशेंट्स हमारे पास बहुत सालों से आ रहे हैं, तो सालों से आना क्या है? दैट इज़ पेशेंस, परसिवरेंस या क्लिंगिंग। ये तीन चीज़ बहुत साइमल्टेनियसली चलती है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाई ऑफ द स्टोरी पता होना चाहिए कि वो पर्सन अगर डॉक्टर पर डिपेंडेंट है कि नहीं, ये डॉक्टर ही मुझे ठीक करेगा, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लेते हैं क्लिंगिंग, कि वो सामने वाले पे डिपेंडेंट है, डॉक्टर पे, घर वालों पे, फ्रेंड्स पे, कि ये लोग मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, तो हम लेते हैं क्लिंगिंग। बट परसिवरेंस हम तब लेंगे जब वो इंसान बोलेगा कि नहीं, मैं खुद एफर्ट्स करूंगा, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, वो बंदे के एफर्ट्स खुद के हैं, तो हम वहाँ पे परसिवरेंस लेते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे डॉक्टर के पास, दैट पर्सन इज मेकिंग एफर्ट्स कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है या फिर मुझे इस चीज़ से ठीक कर दो, तो यहाँ पे हम लेंगे परसिवरेंस। सो आई कंक्लूड बाय सेइंग, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना तो सीखो। थैंक यू।